नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मित्रों, वनस्पति में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। वनस्पति की तुलना अमृत से की जाती है। आपने सुना होगा कि हमारी भारत भूमि में एक ऐसी वनस्पति भी पाई जाती है जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। इससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। जो आज की जानकारी है प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण एरंड, जो काले कलर के एरंड होती है, शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा या देखा भी होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो सुन लीजिए। जो एरंड होती है, इसे हम एरंडी के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में कोस्टर्ड ट्री भी कहा जाता है। कोस्टर्ड ऑयल भी आपने सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। एरंडी भी तीन प्रकार की होती है मित्रों। पहली जो होती है वो सफ़ेद होती है, दूसरी लाल और तीसरी काले प्रकार की होती है। जो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, ये शास्त्रों में वर्णित है। और जो काले कलर की एरंड है उससे संबंधित ये जानकारी है। जो काला एरंड होता है मित्रों, ये तंत्र की दृष्टि से और साथ ही साथ आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके बहुत लाभ है। क्या एरंड से हम स्वर्ण बना सकते हैं? क्या हम इससे अदृश्य हो सकते हैं? इससे आप क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस प्रकार की जानकारी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें भगवान शंकर परशुराम से कह रहे कि हे परशुराम, मैं आपको इसके तीसरे कल्प के बारे में कहता हूँ। काले कलर के रंग का वर्णन करते हुए भगवान शंकर परशुराम जी से कहते हैं, इसे ध्यान से श्रवण करो। अपने कोष्ठ को शुद्ध करके कृष्ण आरंड के तेल को कृष्णा गो के दूध के साथ किसी व्यक्ति द्वारा यदि पान किया जाता है तो उस व्यक्ति को देवगण भी नहीं देख सकते। जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसे देवी देवता भी जल्दी से देख नहीं पाते। इसी प्रकार कृष्ण कलर की जो गो है, कृष्णा गो भी कहते हैं जिसे, काले रंग की जो गाय है उसके दूध और मधु के साथ, जो शहद होता है उसके साथ कृष्ण एरंड के तेल को मिलाते हुए अंजन स्वरूप बनाकर उसे यदि आंखों में लगाया जाए तो लगाने वाला व्यक्ति मध्याह्न सूर्य के समय सात पताल को भी देख सकता है। मध्याह्न समय यानी कि दोपहर के आसपास का जो समय होता है, उस समय में व्यक्ति अगर इस अंजन को, इस काजल को अपनी आंखों में लगाता है तो वो सात पतालों को भी देख सकता है। पाताल में जो भी धन दौलत गड़ी हुई है, जो भी खजाना, जो भी सोना चांदी गड़ा हुआ है, उसे भी वो देख सकता है। धरती के अंदर कुछ भी गड़ा हो, व्यक्ति उसे बड़े ही आसानी से देख सकता है। सात पताल तक व्यक्ति देखने में सक्षम हो जाता है। सबके सारभूत सिद्ध योग को विशेष रूप से मैंने तुमसे कहा है, इस कृष्ण अरण तेल के साथ यदि पारद का मर्दन किया जाए यानी कि उसकी घोटाई की जाए तो सर्वथा वह एक नवीन रूप धारण कर लेता है, एक नया ही रूप धारण कर लेता है। उस पारद के भस्म को यदि वांग में मिलाया जाए यानी कि रांगा, तो वह वांग क्षण मात्र में ही सहस्त्र अंश में वेदित हो जाता है, यानी कि वह स्वर्ण में बदल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे इस एरंड कल्प को कहा है। इस प्रकार भगवान शंकर स्वर्ण तंत्र प्राचीन ग्रंथ में परशुराम जी को ये जानकारी बताते हैं कि किस प्रकार ये काले कलर की जो एरंड होती है वो तंत्र दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसके बहुत लाभ है। कैसे आप इस काले कलर के एरंड की मदद से स्वर्ण निर्मित कर सकते हैं, सोना बना सकते हैं? मित्रों, स्वर्ण निर्माण को लेकर एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।